ओम शांति। आपका मन सदा शक्तिशाली हो, आपका मन सदा खुश रहे, आप स्वस्थ और मस्त रहे और आपके मस्तक पर परमात्मा की आशीर्वाद का सदा हाथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, हम सुनते तो बहुत है लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल में कितना लाते हैं? जो अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स सुनते हैं, हम उसको अगर प्रैक्टिकल में लाए तो हमारी जीवन कितनी संपन्न और सुखी खुशनुमा बन जाएगी। ज्ञान की एक एक पॉइंट इतनी महत्वपूर्ण है जो हमारे मन के नेगेटिविटी को, मन के अंधकार को, चिंता को, भय को, टेंशन को दूर कर देती है। इस ज्ञान की शक्ति इतनी जबरदस्त है। जो ज्ञान हमारे संकल्प को परिवर्तन करता है, दृष्टिकोण को परिवर्तन करता है, हमारे निर्णय को बदल देता है और हमारे एक्शन को बदल देता है, सो हमारा भाग्य बदल जाता है। और इसलिए हम जो ज्ञान सुनते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे मन की ताकत को बढ़ाता है, उसे हम प्रैक्टिकल में यूज करना सीखें। सिंपल एक बात, आपको किसी ने बहुत कुछ बोलकर आपके मन को एकदम डरा दिया, आपको बहुत कुछ ऐसी बातें उन्होंने बता दी और डरा दिया, अब डर गए, अब दिन रात चिंता में रहने लगे। अगर ऐसे हो गया तो कैसे करेंगे हम, सामना कैसे करेंगे? वैसा हो गया तो, और आप कल्पनाओं में रहने लगे, डरने लगे। इस डर को कौन भगाएगा? इस डर को आप खुद भगाएंगे। फेस योर फियर। जो डर दूसरे ने आपके मन में बातें बताकर पैदा किया है, वही डर आप खुद खत्म कर सकते हो। यस, फेस द फियर। देयर इज वर्ल्ड बियॉन्ड योर फियर्स। और इसी के लिए हम अपने मन को ज्ञान सुनाएं। मन को ज्ञान सुनाने के लिए रोज ज्ञान को सुनते जाए, आध्यात्मिक ज्ञान को रोज रोज सुनने की आदत डालें। सपोज डर को भगाना है, कोई परिस्थिति से डर लग रहा है, भविष्य में ऐसा हो गया तो, मन को ज्ञान के पॉइंट सुनाएं। हर परिस्थिति मुझे गिराने के लिए नहीं आती है, हर परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती है। हर पेपर मुझे और आगे लेके जाता है और अनुभवी बनाता है। मुझे इस पेपर का सामना करना है, मुझे इस परीक्षा में पास होना है, मैं सामना करूंगा। मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मैं हिम्मतवान हूं, मैं इस परिस्थिति का सामना करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तैयार हूं। मेरे साथ हजार भुजा वाला परमात्मा है, जो अपना हाथ ऊपर वाले को थाम देता है, उसकी कश्तियां अपने आप किनारे पर लग जाती है। ये विचार, इस टाइप के विचार हम अपने मन को अगर देते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमारे मन की शक्ति इतनी जबरदस्त बढ़ जाती है। जो हमारा मन अभी प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर सोचना विचार करता शुरू कर देता है। हमें यही चाहिए, क्योंकि जब डर जाते हैं ना,
तो डर में लिया हुआ हर डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन जब मन को शांत कर देते, स्थिर कर देते, जो समय जो एनर्जी हम डर के ऊपर लगा रहे हैं, वही समय और एनर्जी अगर हम प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पर लगा दे, तो वही समय और एनर्जी अगर हम ज्ञान के इस प्रकार के विचारों पर लगा दे, तो मिरेकल्स विल हैपन। परिस्थिति अपने आप कमजोर हो जाएगी, क्योंकि स्वस्थिति को शक्तिशाली बना दिया, मनस्थिति को पावरफुल बना दिया, तो आपके पास सफलता अपने आप आ जाएगी। चलो आज ऐसे ही ज्ञान की एक पॉइंट को सारा दिन में अप्लाई करो, फेस करो परिस्थिति को। विजय तो आपके गले का हार है। हैप्पी डे।